बिलासपुर जो है जिला न्यायालय परिसर में चाकू से हमला किया गया। सोशल सिक्योरिटी, आज किसी भी वकील के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है। 90 विधानसभा पे 90 वकीलों को खड़ा करके हम सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित पूरे प्रदेश में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो संघर्ष है वो अब सड़कों पर नजर आने लगा है। पिछली सरकार के खिलाफ इनकी नाराजगी है कि सरकार ने जो है वादा किया लेकिन किया नहीं, और प्रोटेक्शन एक्ट की दरकार आखिर क्यों है, इन्हीं प्रदर्शनकारी वकीलों से हम जानना चाहेंगे। वहाब सर, आप बताएंगे ये जो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं ये क्यों जरूरी है, क्यों वकील जो है वो खतरे में है? देखिए, जो है अधिवक्ता जो होता है न्यायिक कार्यों में जो है जज के बाद एक महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में अधिवक्तागण कार्यरत हैं, और अधिवक्ताओं को अपने कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार के जो प्रकरण आते हैं उसमें पैरवी करने के दौरान उनको खतरा है, वो किस बात से महसूस होता है, क्यों सुरक्षा चाहिए? पैरवी के दौरान जो है कार्य के दौरान कई बार अनावश्यक दबाव पड़ता है, प्रत्यक्ष दबाव डाला जाता है। अभी कुछ दिनों पूर्व से ये वकीलों के प्रति जो है जो घटनाएं घट रही हैं, अभी कुछ दिनों पूर्व यूपी में न्यायालय परिसर में हमारे वकील साथी की हत्या कर दी गई। बिलासपुर जो है जिला न्यायालय परिसर में चाकू से हमला किया गया। ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है वकीलों के साथ हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रोफेशन के बाहर जो आपका व्यवहार है वो आपको खतरे में डालता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मुझे ऐसा लगता है इसलिए जरूरत है क्योंकि बेंच को जिस कारण से जरूरत है प्रोटेक्शन की, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने की वजह से हमें भी उसकी जरूरत है। तो ये सीधा सवाल एक और बनता है कि आखिरकार वो कौन से हादसे हैं जिन्होंने आपको याद दिलाया कि वकीलों को सुरक्षा और बाकी तरह की सुरक्षा से जो सामाजिक सुरक्षा है वो उसकी दरकार होगी? जी, वकीलों को सबसे पहले तो है सोशल सिक्योरिटी। आज किसी भी वकील के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पूरे प्रदेश स्तर पर आप देख लेंगे, ना ही किसी वकील के लिए आवास की सुविधा संबंधित कोई कार्यकारी योजनाएं हैं, ना ही मेडिकल संबंधित कोई कार्यकारी योजना है। इन्हीं सब चीज़ों को लेखते हुए हमने 10 लाख रुपये जो मृत्यु दावा है उसके लिए भी मांग की है। दो प्रकार की सुरक्षा वकील चाह रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा और जो न्यायालय में है उससे उनको सुरक्षित रखा जाए। जिस प्रकार के हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि यूपी में इस प्रकार से वकील साहब को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उससे हम सब भी, हमारे यहाँ भी यहाँ पे कई घटनाएं हुई हैं जिसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। राज्य सरकार से भी आपकी नाराजगी है, कभी मैनिफेस्टो में ये चीज लाने वाले थे, वादा भी किया था, कई बार संवाद चल रहा था, फिर वो हुआ नहीं। क्या लग रहा है भूपेश बघेल जो सरकार है वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, इधर आपको थोड़ा और बल लगाना पड़ेगा? क्या है, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अधिवक्ता जो है दो पक्षों के बीच का कार्य करता है। राज्य सरकार से क्या चाहते हैं? राज्य सरकार को हमारे प्रतिनिधिगण बिल बना करके रख दिए, पेश कर दिए हैं, ड्राफ्ट बना के दे दिए हैं, उसको सदन के पटल में रख कर बिल पारित कराना है, वो नहीं करा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अधिवक्ताओं के हित के लिए सुरक्षा विधेयक कानून का पारित कर दिया है, हम ऐसा चाहते हैं कि इस छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं के लिए और उनकी सुरक्षा एवं परिवार की सुरक्षा के लिए इस अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक बिल को त्वरित लागू किया जाना आवश्यक है ताकि हमको एक प्रोटेक्ट इस एक्ट के माध्यम से मिला जाए। अगर निकट भविष्य में चुनाव है और अगर ये बिल पास नहीं होता तो क्या चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा मोदी सरकार को? क्या फर्क पड़ेगा बताएं? बहुत फर्क पड़ेगा। अधिवक्ता किस तरह का फर्क? 50,000 की संख्या में अधिवक्तागण है छत्तीसगढ़ में, हर अधिवक्ता के पीछे उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके माता पिता, कम से कम एक परिवार में 6 वोट होते हैं। तो हम अधिवक्तागण भी उस और बड़े ऊंचे से लेके नीचे तक के पोस्टों पे, हम गरीब लिए, अमीर के लिए, व्यापारी के लिए, अदर देन ऑल ओवर इंडिया के लिए नामी गिरामी टॉप मोस्ट लीडर। ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो है वोट नहीं देंगे? जैसे कि डॉक्टरों को, पत्रकारों को प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है, डॉक्टर के हर अस्पताल में बोर्ड लगा हुआ है कि यदि किसी कारण से आपके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप डॉक्टर के ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता, किया जा सकता।
जबकि उसको भी उपभोक्ता फोरम के दायरे में लाया जाना चाहिए। सरकार को कैसे काउंटर करोगे, किस तरह से डैमेज करेंगे? सरकार के विरोध में काम करेंगे, सरकार को हम इस तरीके से काउंटर करेंगे। हमारे पास जो हमारी एकता है, हम अधिवक्ता संघ का जो हमारे पास सपोर्ट है, उसको हम बिल्कुल उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे और हम अपने बातों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे हम। और सरकार के अगर हमारे सपोर्ट में नहीं करती है तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे उसके लिए। एक मिनट फिर आइए, हमारी इच्छा ये है कि हम अगर आवश्यकता पड़ा तो 90 विधानसभा पे 90 वकीलों को खड़ा करके हम सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे। और एक अधिवक्ता जो रहता है पूरे छत्तीसगढ़ की 32 जिलों में काम करता है, जैसे मैं स्वयं पूरे 32 जिलों का दौरा करता हूं, सुकमा से लेकर कोरिया, कोरिया से लेकर रायगढ़ तक, बाई रोड, बाई मोटरसाइकिल, बाई कार आना जाना। तो वकीलों का महत्व ज्यादा? बिल्कुल, हमारा महत्व ही, सिब्बल भी जी है, मनु सिंधवी है, गांधी जी भी वकील थे उस समय। इस तरह के तमाम बातें हैं जो वकीलों की नाराजगी है वो तकरीबन जायज लगती है, क्योंकि आखिरकार सामाजिक सुरक्षा जो है वो सभी चीजों, सभी लोगों को चाहिए होता है और वकील उसमें प्रथम श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी स्पष्ट है और जो चुनावी समर में जो डैमेज हो सकता है वो भी वो पहुंचाने को तैयार है। जाहिर सी बात है, वकीलों का यह संघर्ष आज सड़क से लेकर सदन तक जाएगा और आगे इसमें क्या होना है निकट भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।